एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो एनडीए की बैठक में शामिल नहीं होंगे। चिराग पासवान के ऑफिस से ये जानकारी दी गई थी। संसद के बजट सत्र पर चर्चा के लिए एनडीए के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। एनडीए का पार्टनर होने के नाते चिराग पासवान को भी बुलाया गया था, लेकिन वो तबीयत खराब होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं हुए। केंद्रीय बजट से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी दलों के नेताओं से राय ली जाएगी। शनिवार को दोपहर 3 बजे बैठक बुलाई गई थी। अब चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में बुलाने को लेकर बिहार एनडीए में शामिल जीतनराम मांझी की पार्टी हम नाराज हो गई है। देखिए, चिराग पासवान जी को एनडीए की बैठक में बुलाया जाना एक निंदनीय कार्य हुआ है। जिस लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने एनडीए के नेताओं और कैंडिडेट्स के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, वैसे दल को एनडीए में रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। रही बात कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ऐसे परिस्थितियों में एनडीए के साथ रहेगा कि नहीं, उसका फैसला हमारे नेता श्री जीतनराम मांझी जी करेंगे, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं से ठीक नहीं है। एलजेपी के नेता अशरफ अंसारी ने कहा कि एलजेपी शेरों की पार्टी है, यहाँ कोई पीछे से वार नहीं करता। हम नेता का एक बयान आया है, जिसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी शेरों की पार्टी है और ये कभी पीछे से वार नहीं करती। हम जो कुछ करते हैं सामने से और दहाड़ के करते हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी एक बार नहीं हजारों बार पत्र के माध्यम से, प्रेस वार्ता करके और आम सभाओं में नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों का विरोध करते आए हैं। और उन्होंने हमेशा कहा है कि नीतीश कुमार जी की गलत नीतियाँ जो हैं उनकी जाँच होगी, और नीतीश कुमार जी अगर सच में जब तक बिहार का विकास नहीं करते और अपने गलत नीतियों में परिवर्तन नहीं लाते, तब तक लोक जनशक्ति पार्टी उनका विरोध करती रहेगी। तो हम नेता सत्ता में बने हुए हैं और ये किसी विचार से नहीं है, सत्ता में जाने के लिए व्याकुल थे, सत्ता में बने हुए हैं, शांति से सत्ता में बने रहें। बिहार के विकास के लिए, बिहार के आम आवाम की आवाज उठाने के लिए सत्ता को लात मारने का कलेजा सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान में है। मांझी जी से हम आग्रह करेंगे कि जैसे शांति से सत्ता में बने हुए हैं बने रहें, क्योंकि जनता के सामने सारी हकीकत पता है और जनता इतिहास भी जानती है, इसलिए अपनी चिंता करें, बाकी की छोड़ दें। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले चिराग पासवान के बीजेपी से अच्छे संबंध थे। वे खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते थे, लेकिन बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार उन पर हमले करने के कारण चिराग पासवान बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, या यूं कहें कि नीतीश कुमार के कारण चिराग के बीजेपी से संबंध खराब हो गए। पटना से उत्कर्ष सिंह, बिहार तक।